अथर्व, मैं तुमसे वो चावल की थाल के बारे में। इट्स ओके विविधा, आप जाइए, जाके सो जाइए। सो जाना चाहिए? नहीं अथर्व, हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अथर्व, मैंने उस थाल में रवीश का नाम नहीं लिखा था। मैंने आपको कुछ कहा? आप जाइए और जाकर सो जाइए। अथर्व ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि उस थाल पे मैंने रवीश का नाम नहीं लिखा। विविधा आप क्यों परेशान हो रही है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अथर्व, क्योंकि मैंने उस थाली में रवीश का नाम नहीं लिखा, मैंने तुम्हारा नाम लिखा था। फिर रवीश का नाम किसने लिखा और क्यों? कौन कर रहा है ये सब? जाने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रही है? हमें जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे सगाई करना चाहती हैं। आप ही ने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी भी करना चाहती हैं। तो बस मुझे भरोसा है आप पे, और कोई बात मायने नहीं रखती। अथर्व, तेरा फोन बज रहा है बेटा। हाँ माँ, वो फैक्ट्री की रेनोवेशन के लिए होगा। फैक्ट्री की रेनोवेशन स्टार्ट होने वाली है। आपके पास कुछ डिजाइन थे ना जो आप कह रहे थे, वो हम फैक्ट्री की रेनोवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप कल से ऑफिस आइए और अपने डिजाइन भी साथ लेके आइए, देखते हैं शायद हम उसे यूज कर पाए। जाइए अब जाके सो जाइए। कैसी हैं आप सुमन जी, घर पर सब ठीक हैं? सब ठीक है। रवीश की क्या खबर? एक्चुअली सुजाता जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल कंटोनमेंट में एक अवार्ड सेरेमनी है जहां रवीश को बहादुरी के लिए अवार्ड दे रहे हैं, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति खुद रवीश को अवार्ड देंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आप सबको बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। सुजाता जी, रवीश को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस फंक्शन में आएंगे। आप सब। सुमन जी, जो कुछ भी रवीश ने हम सबके लिए किया है, वो किसी की भी सोच से बाहर है। इतनी कम उम्र में बहुत समझदारी दिखाई है उसने। अगर रवीश नहीं होता तो मैं अथर्व को उस हाल में कभी नहीं संभाल पाती। बच्चे ने हर रिश्ते को सिर्फ प्यार ही नहीं, इज्जत भी दी है। मैं भी रवीश पर उतना ही गर्व करती हूँ जितना आप करती हैं। हम जरूर आएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब आएंगे। आप एक बार विविधा से बात कर लीजिए, वो नहीं आना चाहेगी तो। सुमन जी, विविधा आज भी आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी। रवीश और आपसे उसका नाता कभी नहीं टूटेगा। मैं अथर्व और विविधा के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुजाता जी, आपने कह दिया ना, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग आएंगे। कल मिलते हैं। जी ठीक है। कहीं जा रहा है वो? रवीश को एक पुरस्कार मिल रहा है तो हम सबको बुलाया है। माँ, मैं आके बात करता हूँ, प्रैक्टिकली लेट हो रहा हूँ। ये कैसी सिलाई करती है तो, बार बार खुल जाती है। अब की बार पक्की वाली कर दूंगी माँ जी, फिर नहीं खुलेगी। हाँ ठीक। अरे सुजाता, आओ आओ बैठो। भाभी साहब, वो सुमन जी का फोन आया था। क्यों, विकास बात? रवीश को मेडल मिल रहा है ना, उन्होंने हम सबको बुलाया है। मुझे अथर्व को बताना ही होगा कि चावल की थाली में मैंने उसी का नाम लिखा था, रवीश का नहीं। वो बात ऐसे बीच में ही नहीं छोड़ सकता। पैक शायद हॉल में होगी। ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। ये रवीश बच्चा है बड़ा लायक।
ऐसे देखा जाए ना, इसे तो इससे भी बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, उसका हकदार है ये। उमा, हम लोग दिल्ली चलेंगे और जब उसे मेडल मिल रहा होगा ना, ताली बजा बजा के हम सब उसका हौसला बढ़ाएंगे। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं अथर्व की फैक्ट्री पर जा रही हूँ, वो रेनोवेशन का थोड़ा काम है तो उसकी हेल्प कर दूंगी। अरे आपने मेरी पर्स देखी? अरे बात सुन, तो क्यों उसको डिस्टर्ब कर रही है? बिजी है वो, उसे चैन से अपना काम कर लेने देना। माँ मेरी पर्स कहाँ है? मेरे कमरे में होगा बेटा। नहीं है। ठीक से चेक किया तूने? अरे यहाँ हॉल में तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर है। ओहो, किसने रखा इसे यहाँ? अरे छोड़ ना, मिल गया ना तुझे, कल के तामझाम में होश किसे था, गलती से गिर गया होगा कहीं पर। विविधा, सुमन जी का फोन आया था, रवीश को कल कैंटोनमेंट में पुरस्कार मिल रहा है और 26 जनवरी को तो राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलेगा। हम सबको बुलाया है बेटा, आप चलेंगी ना? अथर्व ने क्या कहा, उससे बात हुई आपकी? बात तो की थी लेकिन बहुत जल्दी में था, उसने कहा बाद में बात करते हैं। आप उससे बात क्यों नहीं कर लेती? चाची सच बताऊं आपको, तो जब मुझे इस बात के बारे में पता लगा था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत गर्व महसूस हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता अथर्व मानेगा जाने के लिए, तो आप सब लोग चले जाइए। अथर नहीं आएगा तो मैं भी उसके साथ यहीं रुकूंगी। आजा। रवीश के दिल में कहीं ना कहीं अथर्व और विविधा दोनों के आने की उम्मीद होगी। सुजाता बहन, ये तो अथर्व पर है ना कि वो क्या फैसला लेता है, ये फैसले बच्चों की जिंदगियां बदल देंगे, इसलिए फैसले उन्हें ही लेने चाहिए, है ना? जी। ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। आइए विविधा, आप डिजाइन ले आइए। विविधा डिजाइन ले आइए, मैं पहले आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। लाइए विविधा। हाँ वो मैं हमारे घर के लिए कुछ डिजाइन देख रही थी, तो कैबिनेट के लिए भी देख लिए, ऑफिस के स्पेस में बहुत काम आएगा, और मैंने कुछ नोट्स भी रेडी किया है, ये भी देख लो। ये डिजाइन हम बाद में देख लेंगे, देखिए फिलहाल मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो हमको पहले करनी है। आइए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः नचैनम क्लद्यन्त्य पुनशोष्यति मारुतः। मां मेरी पर्स कहां है? अरे यहाँ हॉल में तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर है। ओहो, दिल से दूर।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।